हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की लेटेस्ट मूवी राइड ऑन। यह एक जैकी चैन की बहुत ही बेस्ट मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक घोड़े को देखते हैं जिसका रेड नाम होता है। रेड यहाँ पर अपने मालिक लुओ को उठाता है और उसे उठाकर पानी के पास में ले जाता है। दरअसल रेड नाम का यह घोड़ा लुओ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और यह अपने मालिक को हर रोज इसी तरह उठाता है। और हमें यहाँ पर लुओ के बारे में पता चलता है कि लुओ एक स्टंटमैन है जो कि पहले के टाइम में काफी स्टंट किया करता था, लेकिन अब उसने स्टंट करना छोड़ दिया है। अब वो अपने घोड़े के साथ में एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर आकर लोग उसके घोड़े के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, राइड करते हैं, और उसी वजह से लुओ को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिससे लुओ अपना काम चला लेता है। लुओ जब शाम को एक जगह बैठा हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वहां पर डामी नाम का एक आदमी आ जाता है जो कर्ज पर लोगों को पैसे देने का काम किया करता था, और लुओ ने भी इस आदमी से कर्ज लिया हुआ था। उसी वजह से यहां पर डामी बोलता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घोड़े को ले जाऊंगा। इसी बात के चलते आपस में ही फाइट हो जाती है। तब लुओ डामी के आदमियों को मारकर यहाँ से घोड़े पर बैठकर भाग जाता है और अपने घोड़े को एक जगह आकर छुपा देता है। इससे डमी और उसके लोगों को पता नहीं चलता कि लुओ आखिर कहाँ पे गायब हो गया। लुओ बेचारा एक मुसीबत से निकला ही था, और जब वो घर पहुँचता है तो अगली सुबह तक एक और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। घर पर दो वकील आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि आज से 3 साल पहले तुमने जिस आदमी से ये घोड़ा लिया था, उस आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ में केस चल रहा था, और जिससे तुमने घोड़ा लिया था वो आदमी केस हार चुका है। इसीलिए हारे हुए आदमी का हर एक सामान किसी तीसरे आदमी को जाएगा जो कि केस जीत चुका है, और ये घोड़ा भी अब उसी का है। लेकिन यहाँ पर लुओ के साथ में उसके दो दोस्त भी होते हैं जो यहाँ लुओ के साथ में रहते हैं। उनके हाथ में खंजर और चाकू होते हैं, उसी वजह से ये लॉयर यहाँ पर डर जाते हैं, और डर के मारे वो लॉयर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लुओ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लुओ के साथ ही यहाँ पर लुओ को बताते हैं कि हमें उसी आदमी से मिलना होगा जिससे तुमने ये घोड़ा लिया था। लेकिन यहाँ पर लुओ बताता है कि वो आदमी तो मरे हुए 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पर लुओ की दोस्त होती है जो लड़की है, वो बताती है कि फिर तो हमें एक लॉयर की जरूरत पड़ने वाली है। और वो यहाँ पर तस्वीर के अंदर लुओ की बेटी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि लुओ की बेटी एक लॉयर की पढ़ाई कर रही है। लेकिन लुओ बेचारा अपनी बेटी से किस मुंह से मदद मांगेगा, क्योंकि वह अपनी बेटी से मिले हुए आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बेचारा हिम्मत करके अपनी बेटी के पास में आ जाता है और अपनी बेटी को सारी चीज बता देता है कि किस तरह से मेरा प्यारा घोड़ा मेरे हाथ से जाने वाला है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन उसकी बेटी, जिसका बाओ नाम है, वो बताती है कि इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं केवल पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। उसी वजह से लुओ को यहाँ से नीचा मुंह करके जाना पड़ता है, और बाओ भी यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास में जाती है जो कि एक लॉयर होता है। उसने अभी अभी केस जीता है और उस केस में उसने एक छोटी सी बच्ची की कस्टडी उसकी मॉम को दिलवाई है। उसी वजह से उसका पिता रो रहा है, और बाओ का बॉयफ्रेंड इस केस को जीत जरूर गया लेकिन उसके मन में खुशी नहीं है। और लुओ जब अपने घर पर होता है तब उसके पास में उसका एक पुराना दोस्त आता है जो लुओ को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। तुम पहले स्टंट किया करते थे और मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म में स्टंट करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, तुमसे अच्छा बेस्ट स्टंटमैन कोई भी नहीं है। तो लुओ के पास में भी पैसों की कमी थी, उसी वजह से वह मना नहीं कर पाता और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में हम बाओ को भी देखते हैं जो अपने घर पर अकेली होती है, और वो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है, और हमें पता चलता है कि बाओ का पिता काम की वजह से बाहर चला गया था, और उसी वजह से बाओ और उसकी मॉम को अकेला रहना पड़ा। लेकिन एक बार बाओ की मॉम की मृत्यु हो गई, और जब उसका पिता यहाँ पर आया तो बाओ ने अपने पिता पर गुस्सा किया था, क्योंकि उनका पिता उनकी फैमिली के साथ में नहीं रहा, और तब से बाओ अपने पिता से अलग हो गई थी और अकेली रहने लगी थी। लेकिन बाओ सोचने लग जाती है कि मुझे मेरे पिता का साथ इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, और उसी वजह से वह अगले दिन अपने पिता के शहर में चली जाती है, और वह उस चौराहे पर जाती है जहाँ पर उसका पिता अपने घोड़े के साथ में आता है, और वहाँ पर आकर लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो बाओ अपने पिता का यहाँ पर बुरा हाल देखती है कि यहाँ पर आकर लोग उसके पिता को भला बुरा भी बोलते हैं, और कोई उसके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए वह फैसला कर लेती है कि मैं अपने पिता की मदद करूँगी, और अगली शाम तक अपने पिता के पास में पहुँच जाती है और अपने पिता को बोलती है कि आपका केस मैं लड़ूंगी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि लॉयर है। तो लुओ बहुत ज़्यादा खुश होता है, साथ ही साथ वह रेड नाम के घोड़े को अपनी बेटी से भी मिलवाता है। और अगले दिन तक यहाँ पर मिक्की भी आ जाता है जो कि बाओ का बॉयफ्रेंड था, और मिक्की और लुओ ये दोनों अकेले में बात करते हैं। लुओ यहाँ पर बताता है कि मेरी बेटी को कभी दुख मत देना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो मिक्की अब यहाँ पर लुओ से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो बेचारा इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बाओ को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन मिक्की लुओ का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पर बाओ अपने पिता से पूछती है कि आपको ये घोड़ा कैसे मिला,
तो हमें यहाँ पर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ वांग के पास में गया था। वांग घोड़ों का कारोबार किया करता था और तब लुओ ने एक छोटे से घोड़े को देखा था जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, लेकिन उस घोड़े को बहुत सारी बीमारियाँ थी और वांग उस घोड़े को मारने वाला था, लेकिन लुओ ने कहा कि इस घोड़े को मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तब लुओ ने इस घोड़े को अपने पास रखा, इसकी देखभाल की और इस घोड़े का रेड नाम रखा और तब से यह घोड़ा लुओ की जिंदगी के लिए अहम हिस्सा बन गया। लुओ भी अगले दिन अपने घोड़े के साथ उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसकी मूवी का एक स्टंट होने वाला था। यहाँ पर बाओ भी अपने पिता का स्टंट देखने के लिए आई हुई है, लेकिन यहाँ पर लुओ का जो घोड़ा है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, उसी वजह से वह अच्छे से स्टंट नहीं कर पाता और उसी वजह से डायरेक्टर बोल देता है कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसी वजह से बेचारा लुओ कोने में जाकर उदास बैठ जाता है और उसकी बेटी बाओ अपने पिता की तरफ देख रही है और उसे यह सब देखा नहीं जाता। उसी वजह से वह घोड़े के पास जाती है और फिर वह अपने पिता को भी इस स्टंट के लिए तैयार करती है और बताती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसका पिता उठ खड़ा होता है और घोड़े के पास में जाकर इस स्टंट को करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है और तब यहाँ पर इस मूवी की फिर से शूटिंग शुरू की जाती है और लुओ और उसका घोड़ा यहाँ पर कमाल के स्टंट करते हैं। बाद में यहाँ पर मूवी में एक्शन भी दिखाया जाता है जहाँ लुओ बहुत सारे गुंडों को दूर फेंक फेंक कर मारता है और गुंडों और लुओ के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है और इस तरह से लुओ ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्टंट को अंजाम दिया। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो लुओ के स्टंट की तारीफ कर रहे थे और बाओ भी इस चीज से काफी खुश होती है और इस तरह से लुओ आने वाली बहुत सारी फिल्मों के लिए स्टंट करता है। साथ ही साथ लुओ यहाँ पर अपनी बेटी बाओ को भी घुड़सवारी सिखाता है और लुओ आने वाली फिल्मों के लिए भी बहुत सारे स्टंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है क्योंकि लुओ को बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। एक दिन लुओ को एक आदमी बुलाकर ले जाता है जो बताता है कि मैं घोड़ों का व्यापार करता हूँ और मुझे घोड़े बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हारे घोड़े की काबिलियत कुछ अलग है और मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। लेकिन लुओ अपने घोड़े को बेचने के लिए मना कर देता है। लुओ जब अपनी बेटी बाओ के साथ में घर पर आता है तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि लॉयर यहाँ पर दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। वो बताते हैं कि आपको काफी टाइम हो गया और आपको अपना घोड़ा जीती हुई पार्टी को देना होगा क्योंकि उनका इस घोड़े के ऊपर हक है। लेकिन यहाँ पर लुओ बोलता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं मेरा घोड़ा किसी को नहीं देने वाला। तो वो लॉयर यहाँ से चले जाते हैं। बाद में लुओ मूवी की शूटिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर उसे एक स्टंट करना था, लेकिन लुओ देखता है कि स्टंट के लिए कूदने के लिए जगह बहुत ही कम है और वह यह बात डायरेक्टर को भी बोलता है कि मैं इस तरह से स्टंट नहीं करूँगा क्योंकि जगह बहुत कम है और मेरा घोड़ा कूद नहीं पाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी हमारा खर्चा लगा है वो आपको देना होगा। तो लुओ हाँ बोल देता है कि ठीक है मैं स्टंट करूँगा और थोड़ी सी जगह होने के बाद भी लुओ यहाँ पर स्टंट करता है। वो अपने घोड़े को दौड़ाता है और एक खाई से दूसरी खाई पर कूदा देता है और इस तरह से लुओ ने यह स्टंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर दिया। लुओ अपनी बेटी बाओ को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ बताता है कि एक स्टंट मैन का जीवन ऐसा ही होता है, वह गिरता है, उठता है और हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर खाना खाने लगता है। लेकिन तभी डेमी नाम का वो आदमी फिर से आ जाता है जो यहाँ पर लुओ को बताता है कि मैं तुमसे मेरा पैसा चाहता हूँ। तो लुओ बोलता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ में हूँ। तो डेमी बोलता है कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, मुझे तुम्हारी बेटी के साथ रात बिताने दो। इस बात से लुओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह डेमी को बहुत ज़्यादा पीटता है। साथ ही साथ डेमी के यहाँ पर लोग भी होते हैं, लुओ उनको भी पीटता है और घोड़े पर बैठकर अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाता है। और रात को यहाँ पर उसकी बेटी बाओ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पर चली जाती है। अब लुओ यहाँ पर फिर से अपने घोड़े के साथ में स्टंट करवाता है और लुओ का घोड़ा हर एक स्टंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है। बाद में लुओ अपनी बेटी के साथ में मिकी के पेरेंट्स से भी मिलता है और उनके साथ में बहुत सारी बातें करता है। साथ ही बताता है कि मैं एक स्टंटमैन हूँ और बहुत सारे खतरनाक कामों को मैं अंजाम देता हूँ और मैं मूवीज में काम करता हूँ। और जब लुओ और बाओ यहाँ से जाने लगते हैं तब बाओ यहाँ पर अपने पिता पर गुस्सा करती है और बताती है कि आपने मुझे हमेशा अकेला छोड़ा, हमेशा मुझे एक पिता की कमी महसूस होती रही, आप हमेशा से मतलबी और खुदगर्ज रहे हो, मेरे बारे में आपने कभी नहीं सोचा। और वह अपने पिता को भली बुरी बातें बोलकर यहाँ से चली जाती है। और जब लुओ स्टंट करने के लिए चला जाता है तो उसके घर में वहाँ पर बाओ आ जाती है और बाओ यहाँ पर पुराने कागजात को देखने लग जाती है और देखती है कि मेरे पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही कर रखी है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर कुछ पेन ड्राइव और डीवीडी प्लेयर नजर आते हैं। जब उन्हें वो प्ले करती है तो उसे पता चलता है कि मेरे पिता हमेशा से मेरी रिकॉर्डिंग किया करते थे ताकि वो मेरे साथ में बिताए हुए हर एक पल को बाद में देख सकें और मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, वो हमेशा से मेरे पास रहना चाहते थे, लेकिन मैं ही अपने पिता के बारे में गलत सोचती रही और उसी वजह से मैं अपने पिता से अलग हो गई। और जब लुओ स्टंट कर रहा था तो वो एक जगह गिर जाता है, उसी वजह से उसे चोट लग जाती है। तब बाओ को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और अपने पिता से मिलती है, उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे भी हमेशा से आपके साथ में रहना था लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। और बाद में बाओ और मिकी ये दोनों मिलकर
लुओ के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और लुओ उन कपड़ों को पहन पहन कर देखता है। साथ ही साथ बाओ यहाँ पर अपने पिता द्वारा किए गए स्टंट को देखती है कि किस तरह से उसके पिता ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसका पिता बताता है कि मैं बहुत स्टंट किया करता था, लेकिन मैंने स्टंट करने छोड़ दिए क्योंकि आज से 8 साल पहले मैं एक झूले के ऊपर से कूदने वाला था और हेलीकॉप्टर को पकड़ने वाला था, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर को नहीं पकड़ पाया और मैं इतनी ऊंचाई से जमीन पर आकर गिर गया। मेरी कुछ हड्डियां टूट गई और मैं काफी महीनों तक हॉस्पिटल बेड पर रहा और उसके बाद से मैंने स्टंट करना छोड़ दिया और स्टंट छोड़ने के बाद मेरे ऊपर कर्जा हो गया। उसी वजह से मैंने किसी से और भी कर्जा ले लिया था। और जब यहाँ पर रात हो जाती है तब लुओ के घर में कुछ लोग घुस आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनसे लुओ ने कर्जा लिया था और वो यहाँ पर लुओ के घोड़े को चुराना चाहते हैं, लेकिन यह घोड़ा उठ खड़ा होता है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तब तक लुओ को भी जाग आ जाती है और लुओ भी इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर लुओ और डमी के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लुओ अकेला ही डमी के लोगों को बहुत पीटता है और उन्हें मारता है। किसी को वह ऊपर से नीचे गिरा देता है, किसी को वह सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और आखिरकार डमी हार मान लेता है। तो लुओ यहाँ पर डमी को उसका पैसा दे देता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही बोलता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम्हें इस तरह से चोरी करने के काम नहीं करने चाहिए, तुम अच्छे से रह सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन एक डायरेक्टर ने एक दिन मेरी काबिलियत को पहचान लिया और उसी दिन से मैं अच्छा इंसान बन गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डमी बोलता है कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सीखना, और वो यहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। अगले दिन लुओ के पास में एक एक्टर आता है जो कि लुओ का दोस्त था, जिसने लुओ को फिल्मों में स्टंट दिए थे, और वह यहाँ पर आकर लुओ से मिलता है और काफ़ी खुश होता है। और वह लुओ को बताता है कि मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ, वो मेरी खुद की फिल्म होगी और मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में आप स्टंट करें क्योंकि आपसे बेस्ट स्टंट कोई भी नहीं कर सकता। तो लुओ बोलता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। और लुओ शाम को अपने घोड़े के पास में जाता है और सोचने लग जाता है कि मुझे स्टंट करने से मेरी बेटी ने मना किया था, लेकिन मुझे अपने लिए और अपने घोड़े के लिए एक आखिरी बार स्टंट करना होगा। और उसी वजह से वह अपने घोड़े को तैयार कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी और मिकी आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लुओ एक और बार आखिरी बार स्टंट करने जा रहा है। उसी वजह से बाओ अपने पिता को बोलती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मैंने आपको मना किया था कि आप कभी ज़िंदगी में स्टंट नहीं करोगे। तो लुओ अपनी बेटी को समझाता है, ये स्टंट मेरी ज़िंदगी का आखिरी स्टंट है, इसके बाद मैं कोई स्टंट नहीं करूँगा। और जो मेरा दोस्त है जो फिल्मों में एक्टर है, वो इस स्टंट के माध्यम से मुझे श्रद्धांजलि देने वाला है। तो उसकी बेटी यहाँ पर अपने पिता से नाराज़ होकर चली जाती है, लेकिन लुओ वो अगले दिन यहाँ से सेट पर चला जाता है जहाँ पर लुओ का दोस्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर भी होता है। डायरेक्टर बताता है कि हम CGI की मदद से इस स्टंट को करने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक नकली घोड़े पर बैठना है। तो लुओ बोलता है कि नहीं, आज तक मैं जितने भी स्टंट करता आया हूँ वो रियल करता आया हूँ और मैं रियल में ही स्टंट करूँगा। लेकिन डायरेक्टर और लुओ का दोस्त बताते हैं कि इससे तुम्हें चोट लग सकती है और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो लुओ इन लोगों की बात कहाँ मानने वाला था, वह बोलता है कि नहीं, मैं तो असली में स्टंट करूँगा। डायरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है, तुम असली में स्टंट कर लेना। और तब लुओ भी अपने घोड़े को तैयार कर लेता है और जब वह स्टंट करने के लिए आता है, घोड़े पर बैठता है, तो लुओ अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है कि मैंने अपने घोड़े को तकलीफ देने के सिवा कोई भी काम नहीं किया, मैंने उससे इतने बुरे बुरे स्टंट करवाए हैं जिससे मेरे घोड़े की जान भी जा सकती थी और आखिरी बार फिर से मैं अपने घोड़े की जान को दांव पे लगा रहा हूं। और वह सोचने लग जाता है कि मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए और उसी वजह से वह आखिरी मौके पर अपने घोड़े को रोक लेता है और इस स्टंट को करने से मना कर देता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर और लुओ का दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम CGI की मदद से इस स्टंट को कर लेंगे। और तब लुओ अपने घोड़े को लेकर यहाँ से चला जाता है, यहाँ से सीधा अपनी बेटी बाओ के पास में बताता है और बताता है कि आज से मेरा घोड़ा आज़ाद है और मैंने स्टंट करना छोड़ दिया है। बाद में ये सभी कोर्ट के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लुओ के घोड़े की सुनवाई होने वाली थी। यहाँ कोर्ट फैसला कर देती है कि लुओ के पास में जो घोड़ा है वो घोड़ा लुओ का नहीं है, जो थर्ड पार्टी है जिसने वांग को हराया है, इस घोड़े पर उसी पार्टी का हक है क्योंकि वांग की संपत्ति पर उन्हीं का हक था, तो इस घोड़े पर भी उन्हीं का हक है क्योंकि ये घोड़ा वांग का ही था। और इस तरह से लुओ इस केस को हार जाता है। यहाँ पर बाओ का जो बॉयफ्रेंड है मिक्की, जो कि लॉयर है, वो यहाँ पर LY कंपनी के मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि आप इस तरह से उस घोड़े को नहीं ले सकते, वो घोड़ा उनकी जान है, वो उनकी फैमिली है। लेकिन यह आदमी बताता है कि हम केस को जीत चुके हैं इसीलिए अब यह घोड़ा हमारा है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिक्की बाद में लुओ से माफ़ी मांगता है कि मैं आपका केस हार चुका हूँ। तो लुओ बोलता है कि कोई बात नहीं। लुओ अपने घोड़े के पास में जाता है और उससे मिलता है और उसे बताता है कि आज से हम दोनों अलग हो जाएंगे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, जितना तुम मेरे लिए वफादार थे उनके लिए तुम उतना वफादार रहना। लेकिन बेचारे घोड़े की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि वो लुओ को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। और लुओ भी अपने घोड़े को देखकर रोने लगता है, उसे गले लगा लेता है और इस घोड़े को लेकर LY कंपनी के मालिक के पास में पहुँच जाता है और कुछ पेपर पर सिग्नेचर कर देता है और इस घोड़े को LY कंपनी के मालिक को सौंप देता है।
और यहाँ से गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। लेकिन जो यहाँ पर घोड़ा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ से यह घोड़ा लव की गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, क्योंकि यह घोड़ा हमेशा लव के पास में रहना चाहता है। भागते वक्त बेचारा घोड़ा गिर भी जाता है और वो आखिर लव के पास में पहुंच जाता है। लव गाड़ी रोककर घोड़े के पास में आता है और कहता है कि आज से हम दोनों अलग हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम्हें वापस जाना होगा। और मन ही मन बेचारा घोड़ा भी रो रहा था और लव तो वो तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और तब लव गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है और इस तरह से लव काफ़ी टाइम तक अकेला ही रहने लगता है। उसे अपने घोड़े की याद तो आती है लेकिन बेचारे के पास में करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। और जब बाव भाई यहाँ से एलवाई कंपनी के मालिक के पास में जाती है और उसे बताती है कि मेरे डैड के पास कुछ भी नहीं था, मेरी मॉम के चले जाने के बाद और मेरे चले जाने के बाद मेरे डैड के पास में यही घोड़ा था जो उसकी फैमिली था, जो उसकी केयर किया करता था, और मेरे डैड इस घोड़े के बिना नहीं रह पाएंगे। आपको एक बार समझना चाहिए, मेरे डैड के लिए ये घोड़ा एक बच्चे की तरह है। तो यहाँ पर उस कंपनी का मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार ज़रूर सोचूंगा। और जब लव अगले दिन सो रहा था तब यहाँ पर वो घोड़ा आता है जो लव को उठाता है और लव अपने घोड़े को देखकर हैरान रह जाता है। लव को लगने लगता है कि यह घोड़ा भागकर आया है। लव अपने घोड़े को गले लगाता है, उसे बहुत सारा प्यार करता है। तब तक यहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो कंपनी का मालिक भी होता है जिसने इस घोड़े को वापस लौटा दिया है। वो यहाँ पर बाऊ को बताता है कि मैंने इस घोड़े के अंदर तुम्हारे डैडी के लिए प्यार देखा है, ये घोड़ा मेरे घर पर जाने के बाद भी कुछ नहीं खा रहा था, यानी कि ये बेचारा खुद की जान ले सकता था, इसीलिए तू मुझे ना भी बोलती तो भी मैं इस घोड़े को तुम्हारे डैड को लौटा देता, क्योंकि मेरे लिए पैसे से ज़्यादा फैमिली ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी की फैमिली को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। और इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। लव बाद में अपनी बेटी बाऊ से मिलता है और मिकी से मिलता है और इस तरह से इनकी फैमिली टूटते टूटते बच जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ में यह बेहतरीन एक्शन मूवीज यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।